हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आप लोग कैसे? सब ठीक ठाक? सब बढ़िया? आपका दोस्त सुमित दोस्ती से प्रेजेंट हो गया। फ्रेंड्स, आज मैंने सोचा था कि आज एक पतंग बना करके आप लोगों को दिखाएंगे, तो फ्रेंड्स उसकी पूरी तैयारी कर ली थी फ्रेंड्स। और ये पतंग जो हमने बनाना था एक एनवेलप से, यानी एक लिफाफे से बनाना था। तो फ्रेंड्स पतंग तो मैंने बना ली, पतंग एकदम टनाटन बन गया। लेकिन फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं कि मैं वीडियो नहीं बना पाया, वीडियो थोड़ा सा बनाया मैंने, बीच में ही वीडियो को रोक करके फिर पतंग बना लिया। उसकी वजह मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पार्क में हर साल में जो है दशहरे पे एक रावण को जो है दहन किया जाता है, तो विशाल का ही रावण बनाया जाता है फ्रेंड्स। तो उसके रावण को दहन करने से पहले फ्रेंड्स क्या होता है कि ढोल वगैरह, ढोल और म्यूजिक सिस्टम, गाना बजाना, खूब एक प्रोग्राम होता है फ्रेंड्स, कम से कम एक डेढ़ घंटे का प्रोग्राम, तो वो स्टार्ट हो गया। तो फ्रेंड्स मैं इस करके जो है ना, मैं वॉइस जो है मेरी सुनाई नहीं दे रही थी फ्रेंड्स, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स। इतना शोर था कि मैं इसको पहन करके फ्रेंड्स, इसको कान पे पहन करके म्यूजिक सुनता हुआ फ्रेंड्स इस पतंग को कंप्लीट किया। पतंग तो मेरा कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स, पर वीडियो नहीं बन पाया। और अभी मैं इस पे टेप लगा रहा हूँ फ्रेंड्स, तो इससे काइट फाइटिंग करूँगा किसी दिन। और जल्दी यार, तो फ्रेंड्स अब मैं इस पे टेप लगाने लग रहा था, मैंने सोचा चलो टेप लगाता हूँ, वही दिखा दूँ। पतंग को देख लो, पतंग ऐसी बनी है, थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी बनी है, लेकिन एक्सेलेंट उड़ेगी और काइट फाइटिंग करके दिखाऊंगा। ओह माय गॉड, इसको पहन करके भी फ्रेंड्स आवाज नहीं रुक रही, इतना जबरदस्त ढोल बजा रहे हैं फ्रेंड्स ये लोग, मैं क्या बताऊं आपको। हर साल फ्रेंड्स जो है रावण दहन किया जाता है हमारे इधर, और बहुत बड़ा प्रोग्राम होता है, कल्चरल प्रोग्राम होता है, काफी बच्चे बच्चे आते हैं फ्रेंड्स। और तो मैं फटाफट जो है अब मैं टेप ओप लगा करके फ्रेंड्स मैं भी निकलता हूँ, क्योंकि मेरे को भी रावण को देखने का है। और तो फ्रेंड्स अभी मैं आप लोगों को टेप लगा करके इस पे दिखाता हूँ। और फ्रेंड्स पतंग मेरी पूरी तैयार हो चुकी है, बस इस पे करना डालना है और टेस्ट करना है, और जो है इसको हम जो है एक दो दिन बाद काइट फाइटिंग करके दिखाएंगे आप लोगों को। तो फ्रेंड्स आपको मैं एक बात बताऊं, मेरे पास ये देखिए खड्डे तो बहुत पड़े हुए हैं, कम से कम कुछ नहीं तो 150 पतंग बन जाएगा, और भी पड़े हुए फ्रेंड्स मेरे पास, इधर भी आप देखिए सब पड़ा हुआ है, काफी पड़ा हुआ है। और लेकिन क्या है ना, मेरे पास पेपर खत्म हो गया था, तो फ्रेंड्स मैंने ये जो बैम्बू पेपर होते ना बैम्बू, तो फ्रेंड्स ये एक एनवेलप आया था हमारे घर पे, बड़ा सा एनवेलप था, उसी से ही बना दिया, कुछ बोलना भी मुश्किल हो रहा है। चलो बात ना करते हुए मैं फटाफट टेप लगा दूं, नहीं तो अभी गाना बजाना चालू हो जाएगा फ्रेंड्स। गाने की वजह से फ्रेंड्स मैंने बंद कर दिया वीडियो, क्योंकि YouTube अंकल बहुत नाराज हो जाते हैं अगर गाना वाना आ जाता है ना, कोई म्यूजिक आ जाता है ना, आप वीडियो बना रहे हैं तो उसके अंदर, तो YouTube अंकल मेरे को पहले भी एक दो बार डांट चुके हैं, और मैंने सोचा कि अब जो है डांट खाने का काम नहीं करूंगा। तो फ्रेंड्स मैंने ये लगा दिया है टेप, और ये बिल्कुल एकदम तैयार है। थोड़ी सी यहाँ पे एक जोड़ है, तो फ्रेंड्स इस जोड़ को भी जो है ट्रांसपेरेंट टेप लगा करके बंद कर देंगे। तो फ्रेंड्स पतंग कैसा बना है इतना ही बता दो, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलता। और क्या बताऊं कि अगर फ्रेंड्स आज अगर दशहरे का दिन नहीं होता ना, तो इस पतंग को पूरा बनाते हुए मैं आपको दिखाता बहुत ही। और इसमें जो फर्मा मैंने यूज किया है फ्रेंड्स, ये मेरा परमानेंट फर्मा है, और ये पौनी की पतंग है फ्रेंड्स, मैं बता दूं इसकी जो ये 23.5 इंची है, पूरा यहाँ से यहाँ तक 23.5 इंची है, 23.5 से 24 इंची है, और ये जो आपका हिस्सा है ना ये फ्रेंड्स ये है, और यहाँ तक जो है 26.5 से 27 इंच होता है पौने का, तो यही है फुल साइज का पौनी है फ्रेंड्स। खूब डांस वांस हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स आपको मेरा ये पतंग कैसा लगा, दो चार दिन इंतजार करो, इससे काइट फाइटिंग करूंगा, तब तक ये सूख के तैयार हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये जो आप ऊपर ब्लैक कलर का देख रहे हैं ना, तो ये पेपर छोटा पड़ गया था, साइड से बड़ा था, इधर छोटा पड़ गया था, तो फ्रेंड्स मैंने क्या किया यहाँ पे इसकी कटिंग करके एक डिजाइन डाल दिया ब्लैक कलर का। हमारे पास पेपर पड़ा हुआ था, एक पतंग फटा हुआ पतंग था फ्रेंड्स मझोली की, उसी का ही जो है फ्रेंड्स मैंने काट करके इसमें लगा दिया। और इधर भी थोड़ा सा पेपर खराब था, गला हुआ पेपर था, तो फ्रेंड्स यहाँ पे भी काट करके काला डिजाइन लगा दिया। तो आपको डिजाइन कैसा लगा कमेंट में आकर के बताना। और हमारा जो नया चैनल है
सोमेन घोष ग्रॉप के नाम से, उसको भी आप लोग, अभी मैं उसको आपको दिखाता हूँ। ये देखो फ्रेंड्स, ये हमारे नए चैनल का नाम है। और फ्रेंड्स, इन पतंगों से भी मैं काइट फाइटिंग करूंगा। जी हाँ, आप ये मत सोचना कि ये शो के लिए नहीं, ये काइट फाइटिंग करेंगे फ्रेंड्स। बहुत मस्त पतंग है। और ये देखो, आप लोग जो है मेरे इस चैनल को भी जो है सब्सक्राइब करो। इसमें लिखा हुआ है सोमेन घोष ब्लॉग्स। तो काफ़ी सारे मेरे सब्सक्राइबर्स कह रहे थे अंकल ब्लॉगिंग करो। तो फ्रेंड्स, मैंने सोचा चलो करते ही हैं। और आपको ये पतंग भी कैसे लगे आप बताइएगा कमेंट में आकर के। और एक देखिए ये डिज़ाइन भी है। ये सब फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, ये सब जो है फाइटर काइट है। इसे फाइटिंग करने के लिए फ्रेंड्स इसको बनाया गया है। और भी है फ्रेंड्स, कई सारी हैं, ये देखिए। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करना मुश्किल हो रहा है, कहीं गाना चालू हो जाएगा तो इसमें कॉपीराइट आ जाएगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब मैं ये वीडियो बंद करता हूँ। बहुत जल्दी आपको अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय। और हाँ, इसको लाइक करना मत भूलना। थैंक यू फ्रेंड्स।